ये देखिए टेस्टी लौकी की दाल तैयार है। ऐसी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है कुसुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी वाली दाल, बिल्कुल नए तरीके से और बहुत ही टेस्टी। तो देखिए, यहाँ पे हमने रहर की दाल लिया है 1 कप, और यहाँ पे हमने आधा किलो लौकी ले लिया है। तो पहले हम दाल को धो लेंगे। इसको हम अच्छे से धोएंगे ताकि जो इसमें केमिकल हैं वो निकल जाए और दाल साफ़ हो जाए। तो ये देखिए, दाल में जो केमिकल होता है वो देखिए निकल गया है, पानी गंदा हो गया है। इसको भी हम पानी को छान लेंगे। यहाँ पे लौकी मैंने आधा किलो लिया है, आधा किलो में से हम आधा पीस रख देंगे। इसको भी हम छीलेंगे। लौकी आपकी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, अगर सख्त रहेगी तो दाल में बिल्कुल गलेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सॉफ्ट लौकी लिया है। इस तरह हम लौकी को छील लेंगे और जो पीछे वाला हिस्सा इसको हम काट लेंगे। इसको हम बिल्कुल पतला पतला काटेंगे इस तरह। बिल्कुल इसको हम बारीक काटेंगे इस तरह। तो ये देखिए, हमने काट लिया आधा घिया। अगर आप मंडी जाते हो घिया लेने, तो पहले आप चेक कर लेना घिया नरम है कि सख्त है। तो अगर आप घिया को थोड़ा सा ऐसे दबाते हैं तो समझ लेना कि घिया सॉफ्ट है। अगर वहीं अगर आपका नाखून नहीं उसमें धस रहा है तो समझ लेना कि घिया सख्त है। तो यहाँ पर हम घिया को धो लेंगे और घिया को छान लेंगे। एक पानी से हमने घिया को धोना है, और जो हमने दाल धो के रखी थी उसी में घिया को डाल लेना हमने। तो कुकर हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। हमने दाल और जो घिया धो के रखा था इसमें हम डालेंगे। इसको भूनेंगे। रहर की दाल अगर आप कभी बनाते हो तो एक बार इसको भून के बनाएं। ऐसे क्या है कि टेस्ट दाल का चेंज हो जाएगा और खाने में बहुत स्वाद लगेगा। अगर आप मेरे वीडियो में नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। ऐसी रेसिपी में लाती रहती हूँ। दाल को और लौकी को हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम डालेंगे 2 गिलास। अब इसको हम चलाएंगे। यहाँ पे हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। नमक आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हो। अब इसको हम ढक के 2 सीटी लगा लेंगे मीडियम सेक करके। तो ये देखिए, 2 सीटी हमने लगा लिया है, और जो हमारी लौकी थी बिल्कुल पक चुकी है और दाल भी गल चुका है। देखिए लौकी, ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। तो चलिए अब हम इसमें तड़का लगाते हैं दाल में। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे तेल। तेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने लिया है 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं, इसको काट लिया है। इसमें हम डालेंगे
यहाँ पे हमने थोड़ा सा अदरक लिया है, इसको बारीकी से काट लिया है, इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा कटा हुआ प्याज ले लिया है, इसको डालेंगे इसमें। और यहाँ पे हमने दो मिर्च ली है, इसको हमने थोड़ा मोटा मोटा काटा है, इसमें डालेंगे। यहाँ पे हमने एक टमाटर लिया है, इसको काट लिया है, इसमें डालेंगे। और इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है, टमाटर बिल्कुल गल चुका है। अब हमने जो दाल को उबाल के रखा था, अब इसमें हम डालेंगे और इसको चलाएंगे। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए टेस्टी लौकी की दाल तैयार है। ऐसी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।